हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स हब विद नितिका। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ न्यूबॉर्न बेबीज में जॉइंटिस के रिगार्डिंग, जो कि सारे न्यू पेरेंट्स न्यू मॉम्स ये सुनते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज में उनके जॉइंटिस हो गया तो वो बहुत वरीड हो जाते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया और इसके सिम्टम्स और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज में ये पीलिया जॉइंटिस होता क्यों है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबीज में लीवर के फॉल्ट की वजह से जैसे एडल्ट्स में होता है जॉइंटिस, वैसे नहीं होता है। न्यूबॉर्न बेबीज में जॉइंटिस होता है उनके रेड ब्लड सेल्स के टूटने से। उनके बॉडी में एक बिलीरुबिन नामक एक सॉल्ट होता है, वो उनके बॉडी में बनता है। उसकी जब क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो बच्चों में पीलिया हो जाता है। जनरली अगर बच्चे को बर्थ के विद इन 24 आवर्स के अंदर पीलिया हो जाता है तो थोड़ा रिस्क की बात होती है, तो डॉक्टर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं। वैसे बच्चों में 60% बच्चों में पीलिया सेकंड से थर्ड डे में ही पता चलता है। और अगर बच्चे में 16 मिलीग्राम पर डेसिमल तक इसकी रेंज है तो डॉक्टर्स इसको अंडर रिस्क मानते हैं और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रख के फोटोथेरेपी एंड ऑल के थ्रू उसको ठीक करते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 5 मिलीग्राम पर डेसिमल तक। तो वैसे तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो बच्चे का विद इन 24 आवर बर्थ के उसको एग्जामिन कर लिया जाता है, अगर उसको है तो डॉक्टर अपने अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखते हैं। पर जनरली केसेस में ये बर्थ के 1 वीक के अंदर ही होता है, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ डे में ही होगा एकदम से। पहले ही दिन ये काफी कम केसेस में होता है। तो 60% फुल टर्म जिनकी डिलीवरी हुई है 9 महीने के बाद जो बच्चे हुए हैं उनको होना ये कॉमन है। और प्रीमेच्योर में इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, जो बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवर्ड हुए हैं 80% बच्चों में इसके चांसेस होते हैं। और ये क्यों होता है, अगर किसी की मदर एंड बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो ये काफी होने के चांसेस हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, वो पॉजिटिव, तो भी ये होता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिन मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल शुगर है उनको भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि बच्चों के ऑर्गन्स ब्लैडर लिवर वगैरह पूरे फुल्ली डेवलप नहीं होते, तो जो उनके बॉडी में बिलीरुबिन बनता है वो थ्रू यूरिन भी वो पास करते हैं, उसके थ्रू बाहर नहीं निकल पाता इतना जैसे बड़ों में होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ऐसे क्या सिम्टम्स देखें, कैसे हम पता चलाएं कि हमारे बच्चे को ये हो रहा है या हुआ है। तो पहले तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बता रही हूँ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो आप डॉक्टर की प्लीज जरूर सलाह लीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपनी बच्ची के स्किन येलोइश दिखाई देने लगे और उसके नेल्स आपको येलो दिखने लगे, हल्का पीलापन हो, और आप उसके स्किन को प्रेस करें चाहे चेस्ट पे से या कहीं से भी प्रेस करें और जब उसको रिलीज करें तो येलोइश दिखने लगे, तो इट मींस आपके बच्चे को पीलिया है। और आईज का ये जो व्हाइट पार्ट होता है अगर ये हल्का हल्का येलो होने लगे तो इसका मतलब उसको पीलिया है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ उसके थर्ड डे हम घर आ गए थे। जब उसको फर्स्ट डे डॉक्टर ने एग्जामिन किया उस टाइम उसको कुछ नहीं था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये फिट है, हेल्दी है, इसको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है। बट सेकंड से थर्ड डे अगर आपको ऐसा लगे तो आप हमें कॉल करिएगा, यहाँ ले आइएगा और हम इसको कुछ फोटोथेरेपी वगैरह में रखेंगे तो ये ओके हो जाएगा। फिर जब हम घर आए, घर आने के बाद एक दो दिन बाद हमने देखा तो उसके स्किन मुझे थोड़ी येलो लगने लगी, तो मुझे लगा कि इसको शायद पीलिया है। फिर हमने ऐसा क्या किया कि वो हमने उसको घर पर ही ठीक कर लिया। लेकिन आप अपने केस में एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप क्या करिए, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे को ऐसा है तो आप अपने बच्चे को जो सुबह सुबह की पहली धूप आती है उसमें आप अपने बच्चे को रखिए धूप में 15 से 20 मिनट तक, लेकिन डायरेक्ट धूप उस पे ना पड़े ऐसा करिएगा। या तो कोई हल्का पतला कपड़ा उसके ऊपर रख लीजिएगा या फिर उसको कोई विंडो या कुछ ऐसा हो आपके जहां से धूप छन के आ रही हो आप उसको थोड़ी देर वहां रख लीजिएगा। 15 to 20 minutes इनफ है, 1-2-3 दिन आप उसको ऐसे रखिएगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका पीलिया खत्म हो रहा है। मैंने अपने बेटे को घर पर ऐसे ही ठीक किया था,
कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपने इतने छोटे बच्चे को हॉस्पिटलाइज करें और उसको इतने सारे मेडिसिन दिए जाए, इंजेक्शन दिए जाए। तो आप एक ये चीज कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को घर पर ही पीलिया से निजात दिला सकते हैं। सेकेंड चीज, आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू बच्चे को कराते रहें, क्योंकि जितना बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा उतना ज्यादा यूरिन पास करेगा, उतना ज्यादा पी पू करेगा, तो उसकी वजह से उसका जो बॉडी में बिलिरुबिन है वो उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये दो चीज आप करें तो आप पाएंगे कि आपके बच्चे का पीलिया कम हो रहा है और ठीक हो जाएगा घर पर ही। बोलते हैं कि ऐसे ठीक हो जाता है और कई केसेस में हुआ भी है। मैं तो अपना केस आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ। मेरे बेटे को था, मैंने घर पर ही उसको ऐसे धूप दिखा करके ठीक किया है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज यार इसको लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट करना, ताकि मैं जो नए वीडियोस आपके लिए बनाऊं और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।